पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़े बदलाव हो सकते हैं। नए प्रभारी के साथ नई टीम बनाई जाएगी। सचिन पायलट के मुताबिक टीम बनाई जाएगी, कई जगहों पर जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। चाहके भी एक महीने से ऊपर सरकार गठन हुआ है, बना हुआ है, चाहके भी अभी तक छत्तीसगढ़ के लिए कोई अच्छी योजना नहीं बना पाई है। तो अंदर अंदर उसके नेता और तमाम बड़े लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लानी महसूस कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ फुटबॉल मनोस्थिति आएगा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से नाराजगी है। जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया उन्हें क्लस्टर में जगह दी गई है। पद नहीं दिया गया है उनको, क्लस्टर में जिम्मेदारी दी गई है ताकि ये लोग के लिए परीक्षा की घड़ी है। पहला चीज पास होना या फेल होना है। जो एक मंत्री बचा हुआ है ये उसके सब लोग दावेदार हैं। और मतलब समझ लीजिए कि पार्टी ने इनको झुंझुना पकड़ाया है और ये लोग आपस में एक दूसरे में अंदरूनी कलह जबरदस्त है, लेकिन डर के वजह से ये बाहर नहीं बोल पा रहे। कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम किया। कांग्रेस ने राज्य को दिवालियेपन की कगार पर ला दिया है। कांग्रेस ने अपनी जेब में पैसा डालने के लिए हर जगह सिस्टम बिगाड़ दिया है। ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोडमैप होगा। देश के 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में छत्तीसगढ़ का योगदान तय करेंगे। कांग्रेस पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम की, सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया, चाहे वो कोयला था, चाहे वो एक्साइज का मैटर था, हर जगह सिस्टम को बिगाड़ा गया ताकि कांग्रेस के नेताओं के जेब में ज़्यादा पैसा जा सके और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुँचे। इन सब रिफॉर्म्स को भी हम आने वाले समय में इंट्रोड्यूस करेंगे। और अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया है। इस बार बजट में जो छत्तीसगढ़ का भविष्य का रोड मैप होगा वह भी हम स्पष्ट रूप से सामने रखेंगे। भारत 2047 में विकसित भारत बनने जा रहा है, उस यात्रा को हम 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे उसका भी एक रोड मैप हम रखने का प्रयास करेंगे। जो मिड टर्म के जो लक्ष्य हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी और 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की भारत देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उसमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान। स्वास्थ्य विभाग दावे करता है अच्छी व्यवस्था देने की, अच्छा उपचार देने का, लेकिन कुछ तस्वीरें बता देती हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये व्यवस्था दम तोड़ रही है। अस्पताल वेंटिलेटर पर है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है जहां पिछले 6 महीने से 110 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। बताया जाता है कि यहां पर कुल 180 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 110 तो खराब ही हैं। ये स्थितियां बता रही हैं कि इस अस्पताल में कैसे इलाज होता होगा। जब मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत होती है तो उन्हें कैसे इलाज दिया जाता होगा। बताया ये भी जाता है कि इस अस्पताल में हर रोज 2000 से ज्यादा मरीज आते हैं, करीब 200 मरीज गंभीर हालत में पहुंचते हैं। ऐसे में लचर व्यवस्थाएं मरीजों के लिए मुसीबत बन गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निरीक्षण किया था, उन्होंने व्यवस्था बेहतर करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी यहां पर स्थिति जस की तस है। अब सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है। नहीं, वेंटिलेटर खराब कुछ हैं जो अंडर प्रक्रिया में हैं, बनने के सुधार की प्रक्रिया में हैं। तकरीबन 50-60 वेंटिलेटर हैं जो बनने की प्रक्रिया में हैं, और कुछ वेंटिलेटर वो भी करीब करीब 50-60 की संख्या में जो उस समय आए थे कोविड के टाइम में।
उधर मेकाहारा में वेंटिलेटर के खराब होने की व्यवस्था पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि न्यूज 18 के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली, इसकी मैं जांच करवाता हूं और शाम तक इस पर जानकारी दूंगा। तो श्याम बिहारी जायसवाल का बयान आया है और उन्होंने कहा कि जो अव्यवस्था की खबरें मिली हैं उसको लेकर मैं रिपोर्ट लूंगा और उसके बाद जानकारी साझा करूंगा। कहा है तो उसको देखवाता हूं क्या स्थिति है, शाम तक इस बारे में बता पाऊंगा। पर आपने कहा है तो उसको देखवाता हूं क्या स्थिति है, शाम तक इस बारे में बता पाऊंगा। पर आपने कहा है तो उसको देखवाता हूं क्या स्थिति है, शाम तक इस बारे में बता पाऊंगा। राजधानी रायपुर की करीब 1,00,000 घरों को अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। 17 और 18 जनवरी को रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। मेन इजिंग पाइपलाइन में खराबी की वजह से अगले 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है उनमें आसपास के ही कई जिले पड़ते हैं, जिसको लेकर अभी कहा जा रहा है कि समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बात करेंगे और अहम खबरों की।